जय हिंद दोस्तों, आज हम शेडिंग के बारे में जानेंगे, शेडिंग सीखेंगे। शेडिंग क्या होती है और इसे हम कैसे कर सकते हैं, कितने तरह की शेडिंग होती है, इसमें पेंसिल की हैंडलिंग कैसे होगी, इस तरह से पकड़ेंगे या इस तरह से पकड़ेंगे, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ आज। एक होता है टोनल शेडिंग, जिसे हम लोग पेंसिल को मान लीजिए इस तरह से पकड़े और इसको हम इस तरह से शेड करेंगे। अब शेडिंग में एक हाईलाइट होता है, एक फर्स्ट टोन होता है, एक सेकेंड टोन होता है, एक थर्ड टोन। हम अभी इतने ही टोन को लेकर चलेंगे, हालांकि टोनल वैल्यू तो और भी बढ़ाई जा सकती है, बट अभी हम सिर्फ तीन टोन और एक हाईलाइट, इन्हीं चीजों को पकड़ कर चलेंगे। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हाईलाइट हो गया, ये जो पेपर छुटा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टोन हो गया, ये हमारा सेकेंड टोन हो गया, और अब हम थर्ड टोन करते हैं। देखिए, शेडिंग करते समय पेंसिल का प्रेशर ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं एक ही पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूं, ये है आर्ट लाइन की 10B, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी जब हम प्रॉपर शेडिंग करेंगे तो हम हर ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, उसमें HB से लेके हम 10B 12B तक इस्तेमाल करेंगे, वहां पर भी हमें जितना जरूरी लगता है वहां पर हम उतना डार्क लेंगे, उसी हिसाब से पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि हम 12 की 12 या 13 पेंसिल इस्तेमाल कर लें, हो सकता है 4 पेंसिल या 5 टोन में ही हमारा काम चल जाए तो हम 5 हमारा ड्राइंग बन जाए, तो हम 5 ही पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों, आपने समझा, ये हाईलाइट हो गया, ये फर्स्ट टोन हो गया, ये सेकेंड टोन हो गया और ये थर्ड टोन हो गया। अभी इसमें भी थोड़ा थोड़ा देखिए, ये देखिए, ये थर्ड टोन हम इसको कहेंगे और ये जो हमारा हिस्सा है ये सेकेंड टोन का है, ये हमारा सेकेंड टोन का हिस्सा है, ये हमारा थर्ड टोन का हिस्सा है, और ये हमारा फर्स्ट टोन। अभी ये टोनल वैल्यू बनाने के लिए हमें पेंसिल का प्रेशर क्या रखना है, हैंड का प्रेशर क्या रखना है, हमें ये समझना, और ये प्रैक्टिस से ही आ पाएगी। आप जितना हल्के हाथ से करेंगे तो लाइट होगा, उसको थोड़ा सा दबा के करेंगे तो सेकेंड टोन बन जाएगा, फिर और थोड़ा दबाएंगे और प्रेशर देंगे और उसको शेडिंग करेंगे तो वो थर्ड टोन हो जाएगा। तो इस तरह से हम पेंसिल का प्रेशर से शेडिंग किया मैंने, और ये जो है ये फर्स्ट टोन सेकेंड टोन थर्ड टोन ये बन गया, और एक हाईलाइट यानी पेपर तो है ही है। तो ये एक रहा शेडिंग का तरीका, इसको कहते हैं टोनल शेडिंग। अब आता है हैचिंग। हैचिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ये हैचिंग है,
किस तरह से पेंसिल को रखना है अथवा झटका देके छोड़ना है। तो इसमें देखिए एक चीज और भी है, इसमें जो हम लोग करते हैं तो इसमें फ्लैट टोन बनता है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे घिस रहे हैं तो यहां से यहां तक एक फ्लैट टोन हो रहा है, ओके। पेंसिल को जो है हम लोग दबा रहे हैं और उसको शेड कर रहे हैं तो एक ही टोन बन रहा है, लेकिन जब हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसमें देखिए लाइट डार्क से लाइट की ओर जाता है पेंसिल। पेंसिल को क्या करना है, पेंसिल को रखना है और हल्का सा इसको झटका देके, हमें हैंड को झटका देके इसको पेंसिल चलानी है, तो इसमें टोनल जो है हमारा क्रिएट होते जाता है। इसमें हमें तीनों टोन मिल सकते हैं जिस तरह से, और ये देखिए ये हैचिंग इसको कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आप इसको समझिए और ये मत सोचिए कि हम फाइनल ड्राइंग पर ही जो है ये शेडिंग सीखेंगे, चीजें बनाएंगे तभी ये करेंगे। ये आपको सादा पेपर लेकर इसको प्रैक्टिस भी करना है, ये अलग से प्रैक्टिस करना है। जब हम कोई चीज बनाएंगे उसका उस पर जब हम शेडिंग करेंगे वो चीज अलग होगी, वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, लेकिन जो उस पर प्रॉपर तरीके से कैसे होगा, जब हमारा हैंड फ्री होगा और हम शेडिंग के तरीकों को समझ लेंगे तभी होगा। ये देखिए इसे हैचिंग कहते हैं, इस तरह से हम शेडिंग करेंगे। पेंसिल को रखना है और खींच देना है, ऐसे झटका देके, थोड़ा सा झटका देके करेंगे तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कीजिए, इसी तरह से कीजिए, हालांकि ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। अब आता है क्रॉस हैचिंग, एक और तरीका है। ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया, इसको टोनल बोलते हैं, इसको हैचिंग बोलते हैं। अब हम लोग क्रॉस हैचिंग देखेंगे। तो ये इसी तरह हम लोग पहले इधर से करते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हमारा एक साइड से हो गया, अब हम इसे क्रॉस भी करेंगे। अब जैसे ऊपर की ओर है तो यहाँ पे हम थोड़ा दूर दूर क्रॉस बनाएंगे टोनल बनाने के लिए। जैसे ये हमारा समझिए ना, ये फर्स्ट टोन हो गया तो ये हमारा सेकेंड टोन, इस तरह से हम इसे चीज और है दोस्तों कि क्रॉस हैचिंग में थोड़ा सा गैपिंग करना चाहिए था। जैसे अब ये अब जैसे मान लीजिए हमको यहां पे ये हमारा फर्स्ट टोन हम मान लेते हैं, तो ये हमारा जो है जहां से हमको सेकेंड टोन देना है तो वहां पर हम क्रॉस हैचिंग कर देंगे, तो वो सेकेंड टोन
बन जाएगा। और जहां पर हमें ज्यादा थर्ड टोन देना है वहां पर हम ज्यादा पास पास में हैचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा थर्ड टोन भी हो जाएगा। ये देखिए ये क्रॉस हैचिंग हो गई। अब दोस्तों एक और आता है, ये थर्ड नंबर ये क्रॉस हैचिंग में आ गया। और एक और है जिसको कहते हैं स्क्रैबल। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आप पेंसिल को यूं छोटा 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 राउंड घुमा के एक हल्के हाथ से, जितना आप हल्के हाथ से करेंगे उतना लाइट होगा और फिर जितना आप दबाते जाएंगे ये डार्क की ओर जाएगा और इससे हम फर्स्ट सेकेंड टोन थर्ड टोन कर सकते हैं। ये काफी आसान तरीका है शेडिंग करने का। शेडिंग कोई भी हो उसमें हाथ का प्रेशर, पेंसिल को हम कितना प्रेशर दे रहे हैं मायने वही रखता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा आसानी से जो है टोनल वैल्यू बन रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट टोन हो गया, अब ये देखिए ये सेकेंड टोन बन रहा है। अगर हम उस पर दोबारा चलाएं तिबारा चलाएं तो ये सेकेंड टोन हो जाता है हल्के हाथ से करते। और थोड़ा सा जहां पर सेकेंड टोन करना है वहां पर थोड़ा सा हाथ को और हल्का सा प्रेस कर दिया, हल्का सा पेंसिल को और दबा दिया, पेंसिल पर जोर दिया, तो ये देखिए ये सेकेंड टोन बन गया। ये इस तरह से आप देख रहे हैं। ये इस तरह से ये सेकेंड टोन बनते जा रहा है थोड़ा सा। और इसे मिक्सिंग भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मिक्सिंग काफी अच्छी हो जाती है और ब्लेंडिंग जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग काफी अच्छा ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं इस टेक्निक में। और ये देखिए अब मैं थोड़ा सा और पेंसिल को प्रेस कर रहा हूँ तो ये थर्ड टोन की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेंसिल का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया है। अभी ये मेरे पास जो मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 10B है। क्योंकि ये मैं सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ तो यहाँ मैं ग्रेडिंग पेंसिल ग्रेड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग तरह की पेंसिल का जैसे 2B 4B 6B ये ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रेडिंग है। तो मैं सिर्फ एक ही पेंसिल से कैसे आप शेड कर सकते हो और टोनल वैल्यू बना सकते हो वो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको, बाकी आप बाद में चाहें तो आप यहाँ पे जैसे 2B इस्तेमाल करें, यहाँ पे 4B इस्तेमाल करें, यहाँ पे 6B या 8B या 10B आप इस्तेमाल करें 10th थर्ड टोन में, वो आपके ऊपर आपकी सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, कितना डार्क है कितना लाइट है आपका जो आप शेडिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट कितना लाइट करेंगे कितना डार्क करेंगे उसी हिसाब से आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2B इस्तेमाल कर सकते हैं, 4B इस्तेमाल कर सकते हैं, 6B 8B 10B। चूंकि सीख रहे हैं तो सीखने के पर्पज से मैंने आपको बताया एक ही पेंसिल का इस्तेमाल करके कि आप एक ही पेंसिल को इस्तेमाल करके कैसे लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हाईलाइट हो गया, ये हमारा फर्स्ट टोन हो गया, ये सेकेंड टोन हो गया और ये हमारा थर्ड टोन हो गया। तो ये चार तरीके हम अपना के
शेडिंग को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं।